अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए अफगानी पुलाव की रेसिपी बनाऊंगी, जिसे हम काबली पुलाव भी बोलते हैं। उसके लिए यहाँ मैंने 1.5 किलो मटन लिया है, 1 किलो राइस लिए हैं, और ये सेला राइस हैं। इन्हें हम नीम गर्म पानी में तकरीबन 2 घंटों के लिए भिगो के रख देंगे। यहाँ मेरे पास 5 गाजरें हैं, 1 बड़े साइज का प्याज है, 4 के करीब मेरे पास टमाटर हैं, यहाँ मेरे पास थोड़ा सा लहसुन है यखनी बनाने के लिए, यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून सॉल्ट है, 2 टेबल स्पून चीनी है, 1 कप मेरे पास किशमिश है, और 1/2 कप मेरे पास बादाम है। 1/2 कप बादाम, तकरीबन 30 बादाम है जो कि 1/2 कप हुए हैं। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने पानी को हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम इससे चावलों को भिगो देंगे और तकरीबन 2 घंटे के लिए भीगे रहने देंगे। अब हम अफगानी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले यखनी बनाएंगे। तो ये उसके लिए मैंने एक तेज़के में गोश्त मटन को डाल दिया है। अब मैं एक जग पानी डाल दूंगी, साथ ही जो मेरे पास लहसुन है मैं वो भी डाल दूंगी, 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल दूंगी, और हम मटन को गलने के लिए रख देंगे। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप प्रेशर में भी इसको बना सकते हैं। मैं इसको देचके में बना रही हूँ, अगर आपको जल्दी है तो आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। जब तक हमारी यखनी रेडी हो रही है तब तक हम यहाँ एक मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास 7 के करीब बड़ी इलायची हैं, 7 ही ग्रीन इलायची हैं, और 1 टेबल स्पून जीरा है। तो अब हम इन सब का पाउडर बना लेंगे, मसाला बना लेंगे। मैं मसाले को अच्छे तरीके से पीस चुकी हूँ, ये देखें। इधर हमारा मटन भी अच्छे तरीके से गल चुका है, इसे मैंने निकाल लिया है, और यखनी को मैंने छान लिया है। यहाँ मैंने प्याज को स्लाइसेस में काट लिया है, ये देखें ऐसे बारीक बारीक, टमाटर भी काट लिए हैं, ये गाजरों को मैंने ऐसे इस शेप में काट लिया है, ये देखें। और यहाँ मेरे पास 1/2 कप ऑयल है, यहाँ मैं मसाला बना चुकी। अब हम पकाना शुरू करते हैं। अब यहाँ मैंने एक देचके को ऊपर रख लिया है, तो अब हम इसमें 1/2 कप जो मेरे पास ऑयल है मैं वो डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम यहाँ सबसे पहले इसमें किशमिश डाल के उसको हल्का सा फ्राई कर लूंगी। किशमिश फ्राई हो चुकी, अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। किशमिश निकाल चुकी, अब मैं इसकी ऑयल में गाजरें डाल के उनको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। गाजरें फ्राई हो रही हैं, अब इनके साथ ही जो मेरे पास यहाँ बादाम है मैं ये भी डाल दूंगी, और इनको भी 1-2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लूंगी। एक दो मिनट हमने गाजरों को और बादाम को फ्राई कर लिया अच्छे तरीके से, अब मैं इनको भी निकाल लूंगी। इनको एक प्लेट में निकाल लूंगी। गाजरों को भी फ्राई करके मैं निकाल चुकी, अब उसी ऑयल में मैं मटन डाल के तो उसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी। मैं 1-2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मटन को भी फ्राई कर लिया है, ये इसलिए किया है ताकि जो इसमें पानी हो वो भी ड्राई हो जाए और इसका कलर भी अच्छा सा ब्राउन हो जाए। अब ये हो चुका है, तो अब मैं इसे भी निकाल लूँगी एक प्लेट में। अब उसी ऑयल पे मैं कटा हुआ प्याज डाल दूँगी, जो मेरे पास 1 प्याज था। और इसको हल्का सा पकाएंगे। प्याज हल्का सा फ्राई हो चुका है, प्याज का कलर नहीं चेंज करना, इसका हल्का सा कच्चापन खत्म करना है, वो हो चुका है। तो अब हम इसमें साथ ही टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के साथ ही यहाँ मैं इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल दूंगी, डालने के साथ अच्छे से मिक्स करके। नमक डालने के साथ ही इसको कवर कर देंगे और कवर करके पकाएंगे जब तक टमाटर गल नहीं जाए, टमाटर अपने ही पानी में खुद ही गल जाएंगे।
टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। मैंने इसमें बार बार स्पून नहीं चलाया कि अपने पानी में खुद ही पक गए हैं। तो अब हम इसमें यखनी डाल देंगे। मेरे पास यहाँ 3 ग्लास चावलों के हैं, तो उस हिसाब से मेरे पास यखनी है, 6 ग्लास है मेरे पास यखनी। लेकिन अगर आपकी यखनी कम हो जाए तो आप उसमें पानी भी थोड़ा डाल सकते हैं। अब हम पानी को उबलने देंगे, फिर इसमें राइस डालेंगे। यहाँ हमारा पानी बॉईल होने लग गया है। अब मैं इसमें चावल डाल लूँगी। ये देखिए चावलों को मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो के रखा है नीम गर्म वाटर में, जिसकी वजह से ये डबल भी हो गए हैं और बहुत अच्छे खिले खिले से हो गए हैं। मैं चावल डालने के बाद अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर चुकी। आप इस स्टेज पर इसमें सॉल्ट वगैरह चेक करके अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब जो यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून चीनी है, मैं वो भी डाल दूंगी। ये जो आपको इसमें छोटे छोटे टमाटर के पीस नजर आ रहे हैं, तो ये ऐसे ही होते हैं अफगानी पुलाव में और ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और थोड़ी देर पकने दूंगी। चावल हमारे पक रहे हैं। अब जो यहाँ मैंने एक मसाला बनाया था ग्रीन इलायची, बड़ी इलायची और जीरे के साथ, तो उसका 1 टेबल स्पून मैं भर के इसमें डाल दूंगी। इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसे फिर थोड़ा सा पानी ड्राई होने तक पकाऊंगी। चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बिल्कुल नहीं हुआ लेकिन दम देने वाली स्टेज पर ये पहुंच चुके हैं। अब हम इन्हें दम देंगे। लेकिन इनको दम देने से पहले हम इनके ऊपर सबसे पहले मटन की गोश्त को रख देंगे। मटन डाल चुकी, अब ऐसे ही मैं ऊपर इसके कैरेट्स भी डाल दूंगी। गाजरें भी डाल दी और इसके साथ ही मैं यहाँ इसमें जो हमने किशमिश ली थी उसे भी डाल देंगे। गाजरे, बादाम और किशमिश में सब कुछ डाल चुकी। अब हम इसे कवर कर देंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे दम पे रहने देंगे। यहाँ मैंने थोड़ी सी गाजरें, थोड़ी किशमिश गार्निशिंग के लिए अपने पास भी थोड़ी सी निकाल ली और बाकी सारी उसमें डाल दी। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने चावलों को चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब हम चावलों को चेक कर लेते हैं। चावल बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और इनको मैं आपको सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाती। तो तैयार है हमारा अफगानी पुलाव या फिर काबली पुलाव, जो भी आप बुलाना चाहें। बहुत मज़े का बनता है। इसमें अफगानी खानों में इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, लेकिन मीट मटन का जो अपना ओरिजिनल टेस्ट है और कैरेट का जो टेस्ट है और बाकी बादाम और किशमिश के साथ जो मिलके ये पुलाव बनता है, तो बहुत मज़े का बनता है। बिलीव मी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि आपसे कैसा बना मेरी रेसिपी से काबली पुलाव। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।